नेपानगर क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे सट्टे के कारोबार पर अंकुश लगाते हुए नेपानगर एसडीओपी करण सिंह रावत ने टीम बनाकर नगर के मनोज टॉकीज एरिया सहित नगर के विभिन्न इलाकों में दबिश देकर अवैध रूप से सट्टा लिखने वालों पर कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को सट्टा पर्ची के साथ गिरफ्तार किया है। 12,000 की राशि जब्त की है। उधर से जाना है, उधर से आगे से नेपानगर में लंबे समय से सट्टा अवैध सट्टा चलाए जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। सर, क्या कार्रवाई की गई और कितने का सट्टा पकड़ा, कितने आरोपी गिरफ्तार किए? हाँ, ये लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके तारतम्य में मैंने थाना प्रभारी को निर्देशित किया था और उसके बावजूद भी अंकुश नहीं होने से थाना प्रभारी को हमरा लेकर और थाने की टीम जिसमें सब इंस्पेक्टर कमलेश यादव, एएसआई भारते, सहायक उप निरीक्षक मंजुला, साथ ही थाने मेरे एसडीओपी स्टाफ एचसी राजेश और प्रदीप रवि, इन सबको साथ में लेकर और खुफिया तंत्र के आरक्षक राम सिंह को सभी को लेकर साथ ले जाकर दबिश दिया। तो 4 जगह दबिश देकर सटेरे को पकड़ा, जिनमें सिद्धार्थ, रामचंद्र, कैलाश और शैलन नाम के सटेरे पकड़ाए हैं, जिनसे लगभग 12,000 रुपये की राशि का सट्टा पकड़ा है और इन पे विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, साथ ही प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो सट्टा लिखने वाले पकड़ा है, ये बुकी है सर, ये किसी को इनके खाएवाल या कोई बड़े इनके जो आकाल हो गए, इस संबंध में इन लोगों से पूछताछ की जा रही है, जैसे ही जानकारी मिलती है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।